सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का संबंध जगतगुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से भी रहा है और यहां की पौराणिक महत्व भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहां पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहां की व्यवस्था का दायित्व तो उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहां पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र और यही कारण है कि जब यहां पे मंच पर जगतगुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का उद्बोधन चल रहा था या जगतगुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहां पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका अवमान भी किया जा रहा था। कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए बाकी को सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे बहुत संकरा रास्ता था और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं दो दो ओर से आ गया, इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहां आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के जो हम सबका संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। पूज्य संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है